नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। रात भर चिता के सामने अखिलेश यादव ने रात गुजारी। वो तस्वीरें जब मैं आपको दिखाऊंगा आपके रूह कांप जाएंगे कि आखिर अखिलेश यादव पिछले एक हफ्तों से न तो उनके हाथ काम कर रहे हैं न दिमाग काम कर रहे हैं। अब वो इसलिए क्योंकि उनके जो सर पर पिता का एक साया था वो अचानक से खत्म हो गया। अब वो किसके के साथ मशवरा करेंगे और किसके साथ सुबह उठकर चाय पियेंगे, ये शायद अब वो करने वाला अब उनके साथ बीच में नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आखिर तमाम चीजें हो गई, अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम सफर शानदार रहा और जिस सिफई से वो आते हैं क्या खूबसूरत जो है उनका सिफई बन गया, उन्होंने चमका दिया उसको, चाहे अस्पताल हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, तमाम चीज वो बना कर गया, यहाँ तक कि रोड को भी उन्होंने चमका दिया। लेकिन इसके बावजूद चमकाने वाला ही अब इस बीच में नहीं है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो सदमे में है इस वक्त मुलायम सिंह के परिवार में, वो कौन है? क्या वो प्रतीक जी है, क्या डिंपल यादव है, क्या अपर्णा यादव है या फिर शिवपाल यादव? अगर आप देखें तस्वीरों को, अगर आप देखें उनके परिवार में लोगों को, तो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चेहरा है और वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की दर्शकों एक तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उसको गौर से देखिए, समझिए, बूझिए और एहसास कीजिए कि क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। गौर से देखिए आप क्या कह रहे हैं। दिलों में गम दिख रहा है, आंखों में आंसू दिख रहे हैं और अखिलेश ने मुलायम की चिता के पास पूरी रात गुजार दी। जब उनके पिता के अंतिम संस्कार हो गया, उन्हें मुखाग्नि दी उन्होंने, जब पंच तत्व में मशगूल हो गए, विलीन हो गए, उसके बाद अखिलेश यादव फूट फूट कर फपक फपक कर रोने लगे। और रोएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई वो तो उसके बेटे हैं। पार्टी बाद में है, परिवार बाद में है, लेकिन एक बाप का साया जब चला जाता है सर से तो बेटे को ही पता होता है कि दरअसल इसकी खूबियां और कीमत क्या होती है। इस तस्वीर को देखकर ये चीज समझ में तो आ गया कि जिस जो है विरासत में मिली राजनीति पर ऐश कर रहे थे, अयाशी कर रहे थे अखिलेश यादव, जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे थे, आज सबसे ज्यादा सदमा में इसीलिए डूबे हुए हैं कि अब उन्हें ना तो कोई बताने वाला है, ना ही मशवरा देने वाला है और ना ही ये दिशा देने वाला है कि मुलायम सिंह यादव बीजेपी से मुकाबला करने के लिए रास्ता क्या देंगे। देखना होगा कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का क्या होता है। देखना होगा कि मुलायम सिंह यादव के इस दुनिया से जाने के बाद अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा। और यह भी देखना होगा कि अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लेकर रणनीति क्या बनाएंगे। चलिए आज के लिए दीजिए हमें इजाजत और आप देख रहे हैं स्पिन न्यूज़। नमस्कार।